सुबह के ठीक 10 बजे का टाइम हो रहा है और मस्त से धूप वगैरह डेली की तरह बढ़िया से लग गई है। बाकी सुबह सुबह माता जी ने यहाँ पे देखो बढ़िया से लिपाई पोताई कर दी है। बाकी छोटे मोटे काम निपटाने पे भाभी भी लगी हुई है और यहाँ पे अंशु कंडारे जी भाई हेलमेट पहन के उसके साथ खेल रहे हैं। बाकी भाई दोस्तों सब कुछ तो हो ही रहा है, हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए भाई दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो कल की वीडियो में भाई दोस्तों आप सभी ने देखा कि हम गए थे देवियोखाल मार्केट, वहाँ कोथिक लगी हुई थी तो बढ़िया से हमने कोथिक में एंजॉय किया और उसके बाद ठीक टाइम पे मतलब लगभग अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुंच गया था। बाकी भाई दोस्तों आज मेरी तैयारी थोड़ा बहुत उधर ही जाने की हो रही है तो मैं आज जा रहा हूँ पानीसैन। तो उसके लिए बच्चों की क्या है कि छुट्टियां पड़ गई हैं तो अंशु को और आरुषि को ना भाई दोस्तों उनके गांव भेज आते हैं और साथ ही साथ पानीसैन मार्केट है वहां पे भी बहुत तगड़ा मेला लगता है तो उनका गांव उधर ही है तो वहीं पर जाएंगे, थोड़ा बहुत कोथिक में भी देखेंगे। बाकी अभी भाई दोस्तों हमको शाम को ना विनय की शादी में भी जाना है तो आज विनय की मेहंदी है तो आज हम किम गांव भी पहुंचेंगे। पहले तो मैं इनको छोड़ने जाऊंगा, बाकी नीचे रोड में दोस्त लोग भी आ रहे हैं, राहुल भी आ रहा है तो बहुत सारे आ रहे हैं तो आज दगड़ू बहुत सारा है। चलो भाई ये तैयार हो गए हैं मस्त करके और भेंट भी दे रही है माँ, साथ में उनको थोड़ा बहुत शिष्टाचार भी देगी। कोथी खेलने के लिए पैसे देने जरूरी होते हैं छोटे बच्चों का ना। जय हो लाओ पेट पर लगा जा रहा है, जय हो है। माँ ने भी दे दिए हैं और भाभी ने भी दे दिए हैं भाई दोस्तों उनको कोथी खेलने के लिए पैसे। बचपन में जब हम भी कोथी इधर उधर जाया करते थे तो हमको भी खूब सारे पैसे मिलते थे। साल भर में भाई दोस्तों कोथी एक ही बार आती है तो उस दिन तो बनता है ना। ठीक 10:30 का टाइम हो गया है और हम पहुंच गए हैं सिमड़ी में। सिमड़ी में पहुंचते ही भाई दोस्तों यहाँ देखो पूरी गैंग पहुंच गई है। हेलो पंडित जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हेलो भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हेलो नाम राशि क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। हेलो दोस्त क्या हाल चाल? हेलो ब्रो क्या हाल चाल? ठीक ठाक। सिमड़ी से भी आगे निकल गए हैं भाई दोस्तों, पहले हम राहुल का इंतजार कर रहे थे तो राहुल का आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो अभी एक भाई और मिलेगा हमको ठीक आगे जैकेट पुल में तो वहीं पर शायद हम राहुल का इंतजार करेंगे। बाकी यहाँ देखो भाई सभी महिला शक्ति भी आ गई है जंगल से घास वगैरह लेके, लकड़ी वगैरह लेके। अपनी ये जो रोड है ना भाई दोस्तों वो घिरोली से लेकर सिमड़ी तक लगभग 5-6 किलोमीटर यार बड़ी खतरनाक है क्योंकि इसमें पहाड़ है बड़े खतरनाक वाले। अब बाकी ना थोड़ा ये पतली भी है यार, चौड़ी रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये पतली भी है और प्लस पहाड़ बड़े खतरनाक है यार। आजकल जंगलों में जो आग लगी थी ना उसके बाद भाई दोस्तों यहाँ सड़क में ना पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं, छोटे बड़े पत्थर बहुत सारे यार। चलो भाई हमारे ग्रुप के सबसे सेहतमंद बंदे ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। अरुण भाई क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, ठीक ठाक हो है? कैसा रहा सफर यहाँ तक? अच्छा रहा। अच्छा रहा, चले फिर आगे चले। राहुल का इंतजार करते करते भाई दोस्तों 10 बजे से ठीक 12:30 का टाइम हो गया है, वो अभी तक नहीं आया। अभी फोन किया है, जस्ट सामने ये जैकोट गांव है तो उसके आसपास आ गया है। बाकी लगातार भाई दोस्तों नदी का पानी अभी भी खराब ही हो रखा है, यहाँ देखो पूरा खराब हो रखा है चारों तरफ। जब परसों आए ना भाई नदी तो देखो यहाँ से और ठीक वो किनारे तक आई थी, पर बहुत खतरनाक आई। चलो भाई फाइनली सामने से आए गए हमारे महानुभाव। हेलो सर, जब तुमको पता है भाई लेट हो जाएगा तो टाइम से निकलना होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हद हो गई है, गलती हर बार होती रहती है यार। आपने क्या कहा था? हमने कहा था, मैंने तेरे को 10 बजे बोला था ना नीचे पहुंच जाना। सिमड़ी में रहूंगा। हाँ जुबान तो जुबान होती है। 12:30 हो गए, कौन रह रहा हूँ वहाँ पे? चलो भाई रोको मत, टाइम हो गया। चलो फिर और कैसे हो? ठीक ठाक। बाल गोपाल घर में सब ठीक है? घर में सब बढ़िया है, बाल गोपाल अभी नहीं है। हो जाएंगे बहुत जल्दी। और अरुण भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। चले फिर चलो। चलो भाई दोस्तों निकल पड़ते हैं यहाँ से भी, ठीक 12:24 का टाइम हो गया है। बाकी साथ वाले भी आगे निकल गए हैं और राहुल ने थोड़ी सी देरी कर दी आने में, वो काफी दूर से आया ना, सबसे दूर से आया तो उसको थोड़ी सी लेट हो गई आने में। बाकी जब तक वो नहीं आया तब तक कोई भी आगे नहीं गया, फिलहाल तो हम यहाँ पे जगत पुल में ना उनका इंतजार कर रहे थे, अब वो आ गए हैं तो अब सभी साथ निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक अभी 1:30 का टाइम हो रहा है और हम पहुंच गए हैं भाई दोस्तों पानीसैन में, तो यहाँ से ठीक अभी आगे के लिए जाएंगे। सामने कुछ दुकानें लगी हुई हैं, बाकी और जो बड़ा बाजार लगता है वो थोड़ा आगे ही लगता है।
वहाँ के अभी पहुँच गए हैं। गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है, ये गर्म इलाका है ना, तो गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है यहाँ। बाकी हमने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी, चार यहाँ पर लगा दी, मेरे लिए जगह हुई नहीं तो मैंने वहाँ पे लगा दी। तो यहाँ से भाई दोस्तों पानी सैंड मार्केट शुरू होता है और दुकानें भी यहीं से शुरू हो गई हैं। बाकी भाई दोस्तों कल हम गए थे देवेखाल मार्केट, तो देवेखाल मार्केट में ना थोड़ी सी भीड़ कम थी, बट आज यहाँ आपको बहुत तगड़ी भीड़ दिखेगी। बाकी यहाँ देखो भाई अभी से ही बड़ा खतरनाक माहौल हो गया है। कल की अपेक्षा भाई दोस्तों यहाँ बहुत ज्यादा दुकानें आ रखी हैं। इधर देखो, इधर पूरा भरा हुआ है, पूरा इधर भरा हुआ है इधर। अभी सबसे पहले भाई दोस्तों हम जाएंगे मंदिर में, माता रानी के दर्शन करेंगे बढ़िया से। और कुछ टाइम पहले अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ एक भजन शूट करने भी आया था बहुत टाइम पहले, तो माता रानी के आशीर्वाद से वो भजन भी ठीक ठाक चला था। तो फिलहाल मंदिर में जाने के लिए भाई दोस्तों रास्ता यहाँ से है, गेट देखो कितना प्यारा बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो भाई दोस्तों ये है माँ नौशना देवी का भव्य मंदिर। तो यहाँ देखो मंदिर कितना सुंदर और कितना प्यारा बना हुआ है, बड़ा मस्त लग रहा है ना। बाकी भाई दोस्तों मंदिर लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक मंदिर के सामने देखोगे आप तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा गाँव, जिस गाँव का नाम है धैड़ गाँव, तो धैड़ गाँव दिखाई दे रहा होगा। और ठीक अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये पाली गाँव दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप इधर आएंगे थोड़ा यहाँ से ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो ये आपको यहाँ पर बमण गांव दिखाई दे रहा होगा। और ठीक इसके ऊपर टुक धार में एक धार दिखाई दे रही है, उसके पीछे भाई दोस्तों मेरा ननिहाल है जिसका नाम है धूर। बाकी पहले भाई दोस्तों मेला जो है वो इधर लगता था, इधर साइड यहाँ देखो जो दुकानें लगती थी वो सारी इधर लगती थी, बट इस बार ना क्या है कि दुकानें सारी इधर लग रही हैं। तो यहाँ देखो इधर ना ठीक भी है और जगह भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, यहाँ देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना ऊपर से। बाकी भाई दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि हमने भजन भी एक शूट किया था बढ़िया सा माता रानी का, जिसमें हमारे कैमरामैन थे हमारे राजेश भाई। तो राजेश भाई कुछ याद है? बिल्कुल याद है, मजा आया था उस दिन बहुत ही ज्यादा, बारिश भी हुई थी और हम साथ साथ भाई दोस्तों भजन भी शूट कर रहे थे और बारिश भी बड़ी भयंकर आ रही थी। और जब भी हम शूट के लिए बाहर निकल रहे थे उस टाइम बारिश बंद हो जा रही थी, तो उस दिन ये बड़ा चमत्कार हो रहा था। तो भाई दोस्तों यहाँ पे माता रानी की भव्य मूर्ति है, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, आप सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे पंडित जी है, पंडित जी नमस्कार, ठीक ठाक जो है बाल गोपाल सब ठीक। बाकी पंडित जी कोथिक चाहिए कब बड़े मने होना कोई साल से हाँ। हाँ। लेकिन अब वो तो छुट गया, वो चीज छुट गया, लेकिन अभी मतलब कुछ साल बाद है, ये तेरह गति खतरनाक है, लेकिन ये ज्यादा भीड़ रहे। बाकी भाई दोस्तों माता रानी ना यहाँ अपने सभी रूपों में विराजमान है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, माँ शैलपुत्री की मूर्ति यहाँ पे है और माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति यहाँ पे है, यहाँ पे माँ चंद्रघंटा की मूर्ति है, ठीक उसी के बगल में यहाँ पे माँ कूष्मांडा की मूर्ति है और ठीक उन्हीं के बगल में यहाँ पे माँ स्कंद माता की मूर्ति है, फिर माँ कात्यायनी की मूर्ति है, साथ ही साथ यहाँ पे माँ कालरात्रि की मूर्ति है और यहाँ पे माँ महागौरी की मूर्ति भी है। ये ठीक सामने वाली जगह दिखाई दे रहे हैं ना भाई दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिन बाद टूर्नामेंट भी है, शायद कल से है भाई दोस्तों, तो हो सकता है हम अपनी दोस्त की शादी के बाद यहाँ मैच में भी आ सकते हैं। बाकी इधर ना जो खेत हैं वो बड़े ही मस्त है यार, सन टाइप है, बिल्कुल बढ़िया सा हो रखा है। बाकी इधर का माहौल देखो, इधर का माहौल भी बड़ा ही गजब का हो रखा है। जो ये अपने दोस्त है ना भाई दोस्तों, इन सभी का गाँव के नाम बताता हूँ। हमारे राजेश भाई हैं तो ये हैं तलाई के, हमारे ये हैं अरुण भाई तो ये हैं कसाणी के, ये मेरे नाम राशि है तो ये हैं नौलापुर के, ये नौलापुर के हैं भाई जी, आप भी नौलापुर के हैं, आप भी नौलापुर के हैं, आप भी नौलापुर के हैं, क्या बात है, स्वागत है आपका। बाकी राहुल है भाई दोस्तों, राहुल है एरोली का, जो कि बड़े खतरनाक लग रहा है, मस्त लग रहा है। और साथ में अरुण भी आ रखा है, तो अरुण भी एरोली का ही है। बाकी भाई दोस्तों मेरे कॉलेज फ्रेंड मिले हैं हेमंत भाई, तो हेमंत भाई भी यहाँ पहुँच गए हैं। हेमंत भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस साइड पहली बार आए हो या पहले आए थे? ना पहले भी आए हो। पहले भी आए हो ना, और सब ठीक ठाक, कैसी चल रही है जिंदगी? चलो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ना यार ठीक है। बाकी भाई दोस्तों ना मैं यहाँ इस वाली कोथी को दूसरी बार ज्वाइन कर रहा हूँ। एक बार मैंने लगभग 10-12 साल पहले माँ के साथ जब मैं छोटा किया था तब ज्वाइन किया था और उसके बाद से आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ। आना जाना लगा रहता है बट मेले में नहीं आ पाता हूँ, आज आया हूँ, माता रानी का आशीर्वाद था तो पहुँच गया। यहाँ देखो भाई दोस्तों गेट पे मुझे दो दोस्त मिले हैं, कैसे हो? राधे राधे, ठीक ठाक छो है? गाँव कोस तुम्हारो सिलवड़ी
अरे वाह, तुम नजदीक आ छो। और सब ठीक ठाक ना? होगी दर्शन? फिट हो रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो भाई दोस्तों, अभी बढ़िया से हमने दर्शन वगैरह कर लिए हैं मस्त करके, और अभी नीचे आ गए हैं, और अब बारी है भाई दोस्तों आप सभी को मेला दिखाने की। तो यहाँ देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बाकी अभी भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी, बट घड़े एक महीने भाई दोस्तों इतनी भयंकर यहाँ भीड़ हो जाती है ना, जगह भी नहीं मिलती। यहाँ देखो भाई दोस्तों, हमारे ननिहाल के मिले हैं, तो इनकी शादी में मैं लहंगल गया था, ये हमारे इधर के हैं। ठीक ठाक चाहे कल लगनी ससुराल जिंदगी, बढ़िया लगनी। चलो बढ़िया है ना, तो मेरा पापा भी देख दी वीडियो, जरा हेलो कर दे आप पापा का। हेलो। फिलहाल तो अभी दोस्त लोगों को ढूंढने में लगे हैं, बाकी भाई दोस्तों अंशु को और आरिषि को, उसकी बहन आ रही है और उनके गांव से आ रहे हैं उनके चाची लोग, तो उनके हैंडओवर करना है। अभी अभी वो मिले नहीं है, जब मिल जाएंगे उसके बाद उनके हैंडओवर करेंगे, और तब थोड़ी देर मेला देखेंगे और उसके बाद जाएंगे जरा सीधा किम गांव। चलो भाई दोस्तों, अंशु और आरुषि का दगड़ो मिल गया है, तो उसके गांव के मिल गए हैं, और ये उसकी बहन है खुशी, तो ये भी मिल गए हैं, तो अब उन्हीं के साथ रहेंगे। ये दगड़ रखे आयो था? हेलो, दगड़ रखियो था? ठीक हो? बढ़िया है, मजा आने ची मेल हमें पक्का। कोटा गांव है इनका, ससुराल जिंद मरक। अब मैं तो मैं लेकिन अच्छा आज ही नहीं। ठीक पौने सात का टाइम हो गया है भाई दोस्तों अभी, और हम कौथिक से भी आ गए हैं। कौथिक में ज्यादा देर रहे नहीं, थोड़ी देर रहे उसके बाद आ गए। बाकी अभी देखो भाई दोस्तों, सनसेट भी होने ही वाला है, कुछ ही देर में सनसेट हो जाएगा। यहाँ देखो बढ़िया से सूर्यदेव लग रहे हैं। बाकी इधर देखो, यहाँ से ऊपर हमको यहाँ जाना है, तो ये है किम गांव भाई दोस्तों। मैंने आप सभी को सुबह बताया था कि मैं जाऊंगा मेहंदी में दोस्त की, तो यहीं जा रहा हूं मैं। ये है किम गांव, रिखणीखाल ब्लॉग में पड़ता है। बाकी भाई दोस्तों, जो साथ वाले क्या थे वो तो चले गए हैं सीधा घर की तरफ, और यहां आए हुए हैं मैं हूं, साथ में राहुल भाई हैं, अरुण है और काठी है। काठी तो यहाँ लगा हुआ है भाई दोस्तों काफल वगैरह ढूंढने पे, तो इस पेड़ में वो काफल ढूंढ रहा है, और जो ये सामने वाला पेड़ है इस पे भी थोड़ा बहुत काफल हो रखे हैं। अभी हम ठीक इस वाले रास्ते से होते हुए सीधा सबसे पहले रोल जाएंगे, और रोल के बाद इस वाले रास्ते से चढ़ेंगे पल्लेछाल, और इस रास्ते से चढ़ते चढ़ते और ठीक हम पहुंचेंगे, यहाँ ऊपर गाँव है तो हमको यहाँ पहुंचना है। और बाकी भाई दोस्तों, अभी हम हैं ये वाली जो रोड है ये आ रही है रिखणीखाल से, तो हम इसी रास्ते से आए। बाकी जो ये वाली रोड है तो ये जा रही है किलबोखाल, और जो ये सामने वाली जो ये रोड जा रही है ऊपर के लिए बढ़िया सी बनी हुई है, ये जा रही है खाले डांडा। किम गांव ने भाई दोस्तों वो रोड से अभी भी कनेक्ट नहीं है, रोड से काफी दूर है, तो हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। बाकी भाई दोस्तों, वहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क का भी इशू होता है, हो सकता है वीडियो लेट आए, बट वीडियो पक्का आएगी। अगर नेट ठीक ठाक चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो इंतजार करना है ना। यहाँ देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा गदेरा बह रहा है, तो उसमें देखो यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, इनको बोलते हैं भाई दोस्तों क्याड़े। तो यहाँ देखो, ये भीमल का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो टहनियां होती है उनको इसके नीचे लगा दिया जाता है। जो ये क्याड़े क्या है ना भाई दोस्तों, इनको ना काफी टाइम तक पानी में रखा जाता है, काफी टाइम पानी में रखने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद जो उनके रेसे क्या होते हैं वो रेसे अलग हो जाते हैं, और उनको सुखाया जाता है, उसके बाद उन रेसों से ना रस्सी बनाई जाती है, जो रस्सी बनती है वो बहुत पक्की होती है, और साथ ही साथ जो लकड़ी क्या बच जाती है वो छिल्ले का काम करती है। हमारे यहाँ छिल्ले होते हैं ना, तो वो छिल्ले का काम करती है, उनको बोलते हैं क्याड़ा। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। ठीक ठाक छो? हाँ ठीक ठाक है। वाह, तुम मस्त बैठे छो। धीरे धीरे करके भाई दोस्तों हम उकाल काट रहे हैं, और गर्मी बड़ी भयंकर होने लग गई है, पसीना पसीना हो गया है, बाकी घर भी दिखने लग गए हैं, तो फीलिंग बढ़िया आ रही है। और बाकी ऊपर टेंट भी दिख रहा है, तो और भी अच्छा लग रहा है।
उगाल चढ़ने के बाद तुरंत से ही भाई दोस्तों हम यहाँ पर पहुंचे तो खाने की व्यवस्था यहीं पर है, तो बोले तो फाड़ यहीं पर लगेगा, काफी अच्छी जगह पर बना रखा है। बाकी सभी को नमस्कार, ठीक ठाक सब ठीक ठाक जी, तबियत पानी सबक बढ़िया है, चलो बढ़िया सब मस्त सब मस्त, आप लोग को आशीर्वाद। हम छो कंडी का अलग अलग गाँव का, ठीक ठाक छो तबियत पानी ये नमस्कार 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 सभी को नमस्कार, ठीक ठाक छो नमस्ते, ठीक ठाक छो है फर्स्ट क्लास, बड़े बना रहा तुम ठीक ठाक, खुश रहो खुश रहो, क्या अरे बढ़िया ढाबा बढ़िया तुम्हारे तो। यहाँ देखो भाई दोस्तों, भाई दूल्हे राजा भी आ गए हैं। अरे यहाँ देखो शाम को ये मूड़ी में हैल रखा हुआ है। अजमेर वाल राम राम है, और काम नहीं मिलती और ठीक ठाक क्या बात है भाई, नमस्कार ठीक ठाक सर, बड़े भाई जी नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक ठीक ठाक खूब चल को आ रहा है भाई, दिल में आ गए सभी भाई लोग। भाई दोस्तों पानी लेके आ रहे हैं, तो लग रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत पानी की दिक्कत है, हाँ ज्यादा। अरे भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब भाजी को घिचा लाल हुआ ची, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया सबका हाल ठीक ठाक से ना, फर्स्ट क्लास है, चलो बढ़िया। करोड़ों के ख्वाब लेके भाई दोस्तों सभी लोग यहाँ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो आता नहीं है, ड्रीम इलेवन की टीम लगाने के लिए सब एक पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है। यहाँ पे फाड़ है भाई दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रोटी वगैरह बननी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे रोटी बन रही है, आधे लोग बना रहे हैं और आधे लोग देखो यहाँ पे लाइन से बैठे हुए हैं, लाइन में खा रहे हैं, तो ये भी बढ़िया है। और आधे लोग यहाँ से आ रहे लेके जा रहे हैं घर की तरफ। ठीक 9 बजे का टाइम हो गया है और खाना खाने का भी टाइम हो गया है मस्त करके, तो हम भी बैठ गए हैं भाई दोस्तों फाड़ में, तो फाड़ में खाने का स्वाद और डबल हो जाता है। बाकी आरे वगैरह भी लगातार जा ही रहे हैं, भाई साहब मिले, भाई साहब क्या हाल चाल, क्या पता ठीक ठाक है बाल गोपाल ठीक से, चलो भाई ये बढ़िया हो गया है। बाकी खाते हैं फटाफट से, और खाने के बाद फिर मेहंदी वगैरह और लगेगी दूल्हे राजा को, तो वो भी दिखाऊंगा आप सभी को। तो भाई जी हमारे मस्त करके यहाँ पे देखो भात बांट रहे हैं, हाँ चढ़क है बढ़िया तड़का मारी में वो है। चलो भाई मेहंदी की तैयारी अभी शुरू हो चुकी है भाई दोस्तों, और यहाँ देखो यहाँ पे मस्त करके अब मेहंदी लगेगी। राजा जी इधर देखो जरा, अरे वाह चमक मार रहे हैं राजा जी, क्यों माँ कहा थी ओहो। बिना नाम नूम नहीं लिखनी कह का पल छोड़ ली थी, यहाँ बड़ बड़ा अक्षरों में तरह तरह ओहो ना तेने लिख दी का भी झमका ली साफ पास है ना बढ़िया फूल बनाने चा बढ़िया लगना चाहिए शाबाश बढ़िया फूल बना शाबाश। तो भाई यहाँ लग रही है मस्त वाली मेहंदी, और फिलहाल तो डिजाइन भी बिल्कुल मस्त वाला बन चुका है, आहा क्या बात है, हाँ दी तो प्रोफेशनल लगनी भाई सीखी क्या सीखी नहीं दी नेचुरल टैलेंट से मतलब है नैन दाल अच्छी बोली अभी तक बैकग्राउंड भाई दोस्तों अंदर था, वहाँ उनका सजाया नहीं, तो सभी आ गए हैं बाहर, और बाहर में ही होगा बल फोटोशूट।